क्या होता है ना। अच्छा मोल का यहाँ पर कोई बीमा नहीं, यहाँ पर मोल की बीमा नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं गैस मीथान का डायमेंशन बोलो कैसे निकालोगे, बोलो यार। ये आपका हो जाएगा गैस मीथान और इसे बोलेंगे कौन सा गैस कांस्टेंट, कौन सा गैस कांस्टेंट, या फिर इसी को बोलते हैं सार्वत्रिक गैस मीथान, कौन सा सार्वत्रिक गैस मीथान, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सही है। चलिए कैसे निकालोगे यार बराबर, पीवी बाई पी। अच्छा पी क्या है यहाँ पर, पी क्या है प्रेशर, प्रेशर बराबर होता क्या है, क्या बराबर बल बटा क्षेत्र बल एफ अपॉन ए। और बी क्या है यहाँ पर, आयतन है, वेलोसिटी नहीं बदला, क्या है आयतन, वॉल्यूम है। और आयतन कैसे होता है, कितना होता है मीटर क्यूब होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल क्यूब अपॉन में कितना आया, बोलो यार। ये कितनी टेम्परेचर है या टाइम है, टेम्परेचर है। अरे ये गैस की बात हो रही है यार, ये है वॉल्यूम प्रेशर और टेम्परेचर, और टेम्परेचर कितना होता है ए का मतलब। अच्छा सबका रखते हैं, चलो एफ का हम लोगों ने अभी कर दिया है, कितना है, अरे बोलो यार एम एल टी माइनस अपॉन में कितना ए, ए क्षेत्रफल है एल स्क्वायर इनटू में अपॉन में कुछ कट रहा है क्या, बोलो यार इससे ये काट दिए, ठीक है ना, कितना बचा भाई एम एल स्क्वायर आपको चलिए यहाँ पर मैं दे रहा हूँ P बराबर होता है आई स्क्वायर आर, क्या होता है आई स्क्वायर आर, यहाँ पर आर क्या है, यहाँ पर ये प्रतिरोध है यानी कि रेजिस्टेंस, सही है। अच्छा इसके बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पी, ये क्या है बोलो, पावर, इसको क्या बोलेंगे शक्ति का, ये जरा प्रतिरोध का निकालना है, प्रतिरोध की विमा निकालनी, सही है। और लगाए देखे जरा कितना आएगा, देख लो कितना, देख लो पावर चाहिए तो पावर का हमें पता है, या तो याद कर लो डायरेक्ट, या तो वर्ग तक पता कर लो, तो वर्ग अपॉन टाइम, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन में टी, टी चला जाएगा ऊपर तो कितना हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, तो यहाँ से आपको निकालना है आर, आर बराबर कितना पी अपॉन, अरे बोलो यार आई स्क्वायर, पी कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस अपॉन में ये क्या है ए स्क्वायर, कितना आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस, कर लोगे ना, अरे बोलो यार हो जाएगा, सारे लोगों को आ रहा है, सब देख रहे यहाँ सर, सब सही चल रहा है। चले इसके बाद ये भी हो गया, और कोई कांस्टेंट है क्या, आ रहा है, हाँ चलो आप फार्मूला लगाएं एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर जी क्या है कौन सा यूनिवर्सल, यहाँ पर आपको हो जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, और इसे बोलेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नेता, एम वन एम टू अपॉन आर एस लगाए जरा, सारे लोग लगावा यार, कुछ लोग उसे देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, हाँ हाँ सबको तो पता ही है, कितना
सबका आ रहा है, चलो चेक कर। अब सब लोग देखे कौन निकले, आंसर आ गया। दिमाग में पीछे इधर मान लो। अच्छा बात ये बढ़िया है, पहले नहीं आया तुम्हारे यार, आप तो लगाओ आपसे क्या हुआ? और क्या वो कर रहे हैं इतनी देर से, बता ही तो रहे हैं। अगर यूनिट हो तो क्या होता है, रेडियन पर, अरे बोलो यार, रेडियन पर सेकंड, रेडियन का विमान नहीं होता, इसका डायमेंशन नहीं होता। यहां पर कितना आ जाएगा, 1/सेकंड का जो 1/t बराबर t, कर लोगे? अरे बोलो यार, हां कोणे वेग बोलते हैं, हां बिल्कुल, इसे कोणे वेग भी बोलते हैं, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं, आप सभी पढ़े हो। अच्छा आपको पढ़ा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, सबने पढ़ा है, तो सबने पढ़ा है ना, तो देखते हैं आपने कितना पढ़ा है। चल धीरे बोले, ठीक है ठीक है, सिर्फ पढ़ो है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सर बस क्लास लग गई है तो हाँ ठीक है, बस मस्ती हंसी मजाक करके चले गए, इससे अच्छा क्लास नहीं आते। चले ये वाला समझ में आया भाई, अरे बोलो यार, चले थोड़ा सा मैं आपको जैसे इसमें, अब इसमें बहुत खास नहीं, यही है आपका डायमेंशन, निकाल लोगे ना? यस सर। मस्त क्या है, क्या याद होना, फॉर्मूला, और फॉर्मूले को आप जैसे प्लैंक कांस्टेंट होता है, कौन सा कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का निकाल लो। देखो इधर प्लैंक कांस्टेंट होता है एनर्जी बराबर एफ सी बाई, सही है, यहाँ पर एच क्या है, बोलो यार, इसी को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। तो निकाले प्लैंक नियतांक का, मैं आपको बता देता हूँ, ये है एनर्जी, ये ऊर्जा है, सी है आपका प्रकाश का वेग,
और ये आपका तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य हमेशा मीटर में लेते हैं, तरंग दैर्ध्य। अब तो प्लैंक ने तरंग निकाला, सारे लोग निकाले, ये वेलोसिटी है, ये लैंडर समझते हैं, ये एनर्जी है, ML²T-3। नाम नाम क्या है आपका? राजेंद्र। राजेंद्र का आंसर आया है ML²T-3। इतना ही आ रहा है। और पता है किसका रिजल्ट आ गया? किसका रिजल्ट आ गया? अरे बोलो यार, आ गया? चलिए पढ़े, आयुष आ गया, चलिए सब गए, लास्ट में सब आंसर है, लिखते रहोगे, चलिए निकालो यार, इसे पढ़ते रहो, वहां पर भी ऐसे जलवायु का खड़े नजर देखते रहेंगे, आज साल तक ये होगा, आप सवाल मत जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था तो पहले से चोट लगी है, यहाँ पर बहुत बुरा चोट है, नहीं यार लैंडम मीटर में लेते हैं यार, माइनस वन एम एल एस स्क्वायर टी माइनस, और कोई और कोई बोलो यार कितना पहला सेकंड सेकंड सही अपनी बात से पलट जा रहे हो तुम, कौन सा सेकंड पहला, चलो देख लो, देखो h बराबर होगा e इनटू लैम्डा अपॉन में c, e एनर्जी है ml स्क्वायर e माइनस c, लैम्डा क्या है l अपॉन में c, c क्या होता है lt माइनस, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं, l से l कैंसिल हो गया, t minus 1 से t minus 1 कैंसिल हो गया, तो m l square t minus 2, ये आपका सही है, सेकंड है, बहुत सही, नाम तो बोल दो चंद्रवान, बढ़िया है, तो पहला आंसर आया है सही वाला है ना, बाकी सारे लोगों ने गलत बोला, बढ़िया चंद्रवान और अच्छा है, हां आप तो मैं मेडल दिया जाएगा पुरस्कार, आप भी इसके हकदार हैं, चलिए हो गया, अरे बोलो यार हो गया ना, चलिए तो एक बार थोड़ा सा यही है, और किसी का कुछ मतलब, और कोई किसी का मार्जिन ना हो, प्रत्यास्था पूरा, चलिए आप बढ़िया ही, उन्होंने पूछा, हम लोगों ने पढ़ा भी है, प्रक्रम में पढ़ा है, ठीक है ना, प्रोसेस में प्रत्यास्था पूरा होता है, E बराबर प्रतिबल बटे प्रतिबल बटे, अरे आ रहा है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सही है, फॉर्मूला जब तक नहीं आएगा आप लोग नहीं निकाल पाओगे, फॉर्मूला इसका देखें, देखो भाई प्रतिबल होता है बल बटा बोलो F अपॉन A, सही है, अपॉन में विकृति होती है डेल्टा V अपॉन V माइनस, तो इसका तो कुछ नहीं आएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये भी याद रखना है, जो विकृति है ये V माइनस है, अरे बोलो यार, ये इलास्टिसिटी है, आप इसे बोल सकते हैं प्रत्यास्थता, ये हो गया, और किसी को कोई याद हो, एप्साइलन अभी इलेक्ट्रिसिटी में ना चल, और बताएं यंग प्रत्यास्थता गुणा यंग मॉडुलस, प्रत्यास्थता में यही है, यही है प्रतिबल बटे विकृति, वहां भी होता है, वहां पर क्या ले लेते हैं, वहां पर बस ये हो जाता है, ये वाला देखो यहां पर हो जाता है डेल्टा एल अपॉन एल, बाकी सब यही है, ये वाला फिर कट गया है, उसमें हमें ना जाओ यार, उसमें देख बहुत लोगों को बात बोला नहीं जाते, और बोलो जितना बात बोला मतलब आपको याद हो भाई, चलिए
तो देखो आप लोगों ने एसएचएम में पढ़ रखा है तो उसका थोड़ा सा रिवाइज कर, ठीक है ना? अरे कर लोगे रिवाइज, ठीक है ना? हाँ, आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखो, देखो इधर, अच्छा एनर्जी तक सबने, एनर्जी तक नहीं पढ़ा है किसी ने, सिर्फ फेज तक पढ़ा, सिर्फ फेज, एनर्जी तक नहीं। देखो पढ़ाने के लिए हमारे पास 15 मिनट, चलिए थोड़ा सा देख लो। फेज आपको पता है, अच्छा फेज बता दो, ये कौन सी पोजीशन है, कौन सी पोजीशन? अरे बोलो यार। अच्छा ये कौन सी पोजीशन, कौन से पोजीशन? यहाँ पर अभी फेज कितना है? जीरो। अरे बोलो यार, जीरो। यहाँ पर बाय बाय, वापस आ जाओ, यहाँ दो, वापस आ जाओ, इसे एक ऑसिलेशन बोलेंगे। अरे बोलो यार। अच्छा, तो इसके बाद अब इसके आगे कुछ पढ़ाई नहीं है आप लोगों ने? चलो जो तक पढ़ चुके हैं वो बताओ, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का पढ़ा है ना? इसने कितना पढ़ा है? टी बराबर 2π। अच्छा, चाहे एक बैठे चाहे 10 बैठे, टाइम पीरियड में कोई फर्क पड़ेगा? अच्छा आप बैठो या आप किसी के साथ भी बैठो तो भी कोई फर्क है? आप पे पड़ेगा, झूले पे नहीं पड़ेगा। आइए इसके बाद बताएं क्या हो गया भाई। देखो यार एक बात समझ लो, अगर बाज की तरह उड़ना है, बाज की बात सुनो ना, बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों के साथ साथ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना? और नहीं उड़ना है कि वैली बने रहना तो बने रहो, ठीक है? चलिए चलिए और फेज हो गया। फेज के पहले अपन ने क्या पढ़ा है? एंगुलर वो सबको याद है। और नहीं हमें वो तो पता है, किसके एप्लीकेशन कहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर नहीं, कौन सा एप्लीकेशन? अरे यहाँ पे हुआ है, वहाँ जाना। चलिए और यार को कोई एक चैप्टर का नाम बोलो जिसका रिवीजन है। लाइक करें, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन, अरे थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स याद है? कितने लॉ है? चार। कितने? चार। पहला कौन सा है? जीरो लॉ। दूसरा? तीसरा? चौथा? बताओ इंटरनल एनर्जी का कौन सा लॉ देते हैं? अरे बोलो यार, एनर्जी किसमें कंजर्व संरक्षित रहती है? इसमें फर्स्ट लॉ का बताओ, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, कर लोगे? अच्छा इसके बाद आप बताओ कि आप ये बताओ टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट कौन देता है? अरे बोलो यार, जीरो तो कौन सा देता है? जीरो का। अरे एंट्रोपी जीरो कितने टेम्परेचर पर होता है? जीरो केल्विन। जीरो केल्विन का दूसरा नाम भी है, बोलो कौन सा? अरे बोलो यार। अच्छा स्केल बड़े हो जा, कितने हैं? कितने हैं? कितने स्केल हैं? पैमाने कितने? पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा ह्यूमन, चौथा, पांचवा। अच्छा आप बताओ सन का टेम्परेचर कितना होता है? 6000 केल्विन ना, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर बोलो केल्विन में, बोलो केल्विन में, 310 केल्विन। बढ़िया बच्चा पढ़े। चलिए इसके बाद आपको बताना है कि अगर फेज चेंज होता है, फेज चेंज अवस्था बदलती है तो कौन सी दो चीजें नियत रहती है? प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अच्छा मेरी आवाज आपको पहुंच रही? पहुंच रही ना? कौन सा प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक या फिर आइसोबैरिक? बोलो, बोलो ध्वनि तरंगों का चलना, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, एडियाबैटिक।
कौन सा एंटी अवेट, यानी क्या बोलोगे उद्गम कौन सा, अरे गैस तो ही फट रही है, गैस फर्स्ट हो रहा, तो कौन सा एग्जांपल, आइसो आइसो कॉलिक।